कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना कर्म। काल क्षणों का समांतर संयोजन। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि चालक क्षणों का श्रेणी संयोजन जब किया जाता है तो उनके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ताप अलग अलग होते हैं, लंबाइयां अलग अलग होती हैं। ऐसे ही जब बेटा समांतर संयोजन किया जाएगा तो लंबाइयां समान लेंगे हम, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल अलग अलग लेंगे। लंबाइयां समान, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, और जब अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जो है अलग अलग रहेगा, लंबाई समान रहेगी, तो सिरों के ताप समान रहेंगे, एक जैसे ताप। तो देखो जरा, ये मान ले रहे हैं यह लंबाई की, मुनेसा जी एक चालक क्षण कितने लंबाई के बच्चों, कौन सा संयोजन करना है? समांतर संयोजन में क्या समान होगा? लंबाई समान होगी, तापांतर समान होंगे, जैसे उसमें विभवांतर समान था तो वैसे इसमें क्या समान होगा? सिरों के ताप। विद्युत वाले में विभवांतर समान होता है तो इसमें तापांतर। ये A1 क्षेत्रफल का कोई यल लंबाई का K1 उष्मा चालकता गुणांक वाला चालक क्षण है कि नहीं? दिखा कि नहीं सकता? दिखा। अब इसी में जो है हम कोई दूसरा क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल ज्यादा, पहले ज्यादा है कि नहीं? एक जो है ये A2 क्षेत्रफल वाला दूसरा चालक क्षण ले रहे हैं और पहले चालक क्षण की समान लंबाई का है ये जोड़ दिए हैं। पहले चालक क्षण A1 क्षेत्रफल का है, दूसरा चालक क्षण A2 क्षेत्रफल का है, दोनों चालक क्षणों की लंबाई L। उन्हें सब बेटा दोनों चालक क्षणों के सिरों के तापांतर समान है। पहले वाला चालक क्षण थीटा वन ताप पे, दूसरा वाला चालक क्षण भी थीटा वन ताप पे। पहला वाला चालक क्षण दूसरा सिरा थीटा टू, इसका भी दूसरा सिरा थीटा टू। पहले का उष्मा चालकता गुणांक K1 और दूसरे का उष्मा चालकता गुणांक याद रहेगा ना? गौर से ध्यान दीजिएगा कि ये दो चालक क्षण हैं जिनके सिरों के ताप थीटा वन थीटा टू, क्षेत्रफल A1 A2, लंबाई L, उष्मा चालकता गुणांक K1 K2। कोई दिक्कत? अब बेटा पहले चालक क्षण में उष्मीय धारा H1, पहले चालक क्षण में K1 A1 थीटा वन थीटा टू बटे L, यल होगी ना? दूसरे चालक क्षण में केटुआ या टुआ थीटा वन थीटा टू, इज दैट क्लियर? इसलिए कुल उष्मीय धारा, कौन धारा बच्चों? कुल उष्मीय धारा H बराबर पहले वाली धारा प्लस, नहीं मानोगी, मान धरो K1 A1 बा भाई बा जियो बच्चो वाह गुड। कोई डाउट किसी को? हुआ लिख दें क्या हुआ?
ओम यच बराबर व्हाट इज द कॉमन K1 A1 प्लस K2 A2 ब्रेकेट में कॉमन है θ1 - θ2 मजा है। लेकिन तुल उष्मी धारा के सूत्र तुसने जाना था यच बराबर अगर हम तुल उष्मी धारा पूछी तो तुल उष्मा क्या लगता है बुरा तुल्य क्षेत्रफल में सा A1 + A2 तापांतर कितना है लंबाई तो यह है और ये कितना आया है मगर K1 A1 K2 A2 K1 A1 K2 A2 अपान किसका सूत्र है पूछो हमसे किसका सूत्र है तुल्य उष्मा का लगता गुणा तुल्य उष्मा चलकता गुणांक ठीक है आ गया कि नहीं बेटा और ये क्या है कुल धारा कुल उष्मीय धारा आ गया कि नहीं अब एक चीज के डेरिवेशन बच्चा टाइम ना है उष्मी प्रतिरोध के कहती देखो चूंकि R बराबर क्या होता है L/KE होता है कि नहीं पीछा बुरा करो KA बराबर L/R क्या कहे हम इसलिए तिरछा गुणा करेंगे K A1 / A2 उन्हें सर यह का वह है K1 A1 यह का वह है मजा है K A बराबर तो K1 A1 बराबर K2 A2 बराबर संयुक्त चालक छड़ देखा उसमें क्या लगता गुणा गुणे क्षेत्रफल तो L से भाग 1/R = 1/R1 + 1/R2 मैंने आपके सामने सत्यापित हो गया तुल्य उष्मी प्रतिरोध का व्यंजक 1/R = 1/R1 + 1/R2 सत्यापित हो गया नहीं कह दो तो जो है समांतर संयोजन में चालक छड़ों का तुल्य उष्मी प्रतिरोध 1/R = 1/R1 + 1/R2 होता है और आप समझ रहे हो इसी तरह से विद्युत पर भी डेरिवेशन हुआ था इसी के साथ।